राखी सावंत के पति आदिल खान जेल में बंद है। राखी ने आदिल पर मारपीट का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि आदिल ने पैसों को लेकर भी धोखाधड़ी की है। उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी। इसके अलावा एक महिला ने आदिल पर रेप का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद से आदिल जेल में है। शादी के बाद राखी ने इस्लाम कबूल था। उन्होंने बताया कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ती है और जब रोजे रखने का टाइम होगा तो वह रोजे भी रखेंगी, रोजे भी रखना चाहती है। राखी सोमवार को मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि वीजा के लिए उनका एफिडेविट तैयार किया जा रहा है, जिससे वो उमराह करने जा सके। इससे पिछले किए पाप मिट जाते हैं। राखी ने कहा कि अगर मैं रमजान में उमराह जा पाती हूँ तो मेरा तो नसीब ही खुल जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरा एफिडेविट बन पाएगा या नहीं। हालांकि मैंने इस्लाम कबूल किया है, मैं रोजे करूंगी, 5 टाइम नमाज पढ़ती हूँ। ऊपर वाले ही मर्जी होगी तो जरूर जाऊंगी, राखी ने आगे कहा। सारा कनेक्शन ऊपर वाले से होता है। अगर खुदा को लगता है कि मैं सच्चाई से नमाज पढ़ती हूँ और इस्लाम मान रही हूँ तो मेरा जाना बिल्कुल होगा। उन्होंने बताया कि उनका एफिडेविट बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो बन पाएगा कि नहीं। उन्हें इसका प्रोसेस भी नहीं पता। म्यूजिक वीडियो में दिखी राखी वक्फ फ्रंट की बात करें तो राखी का म्यूजिक वीडियो झूठा हाल ही में रिलीज हुआ है। ये गाना राखी की निजी जिंदगी से प्रेरित है। उसमें दिखाया गया है कि एक शख्स उनका फैन है। एक दिन वो उन्हें कार गिफ्ट करता है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है और वो उससे निकाह कर लेती है। जल्द ही वो लड़का उनके साथ मारपीट करने लगता है। इस बीच उनकी माँ की मौत भी हो जाती है। YouTube पर गाने को 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है।